वेलकम टू सक्सेस कोचिंग क्लासेस। मैं जय गुजर। आज मैं आपको कंप्यूटर की सारी जनरेशन के बारे में बताऊंगा। जैसे कि हम सब जानते हैं, चार्ल्स बेबेज ने फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर की खोज 1830 में करी। फिर इसके बाद कंप्यूटर की पहली जनरेशन 1946 में आई। इस जनरेशन में कंप्यूटर की साइज एक बड़े कमरे जितनी होती थी, मतलब बहुत ही लार्ज। इस कंप्यूटर की स्पीड भी बहुत स्लो थी और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे और इनमें वॉल्व का प्रयोग होता था, जिनको हम वैक्यूम ट्यूब कह सकते हैं। फिर इसके बाद सेकेंड जनरेशन 1960 में आई। इस जनरेशन में कंप्यूटर की साइज छोटी होती थी कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन और ये स्पीड में भी स्लो थे और इनमें वॉल्व की जगह ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता था। इस जनरेशन के कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज का यूज़ होता था। इसके बाद कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन 1965 में आई। इस जनरेशन में कंप्यूटर की साइज छोटी होती थी कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन। इस जनरेशन में लैंग्वेज कोबोल और फोर्टन यूज होती थी। इस जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होते थे। इसके बाद कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन 1971 में आई। इस जनरेशन के कंप्यूटर की साइज स्मॉल थी कंपेयर टू थर्ड जनरेशन। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई वैसे वैसे कंप्यूटर की साइज कम होती गई। इस जनरेशन के कंप्यूटर में पास्कल और सी लैंग्वेज यूज की जाती थी। और जैसे कि हम इक्विपमेंट्स की बात करें तो इस जनरेशन में IC यूज होता था, बट लार्ज स्केल, जिसको अपन LSIC लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कह सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन 1980 में आई। इस जनरेशन के कंप्यूटर की साइज एक ब्रीफकेस जितनी होती थी, फॉर एग्जांपल लैपटॉप। और इस जनरेशन के कंप्यूटर इतने डेवलप हो चुके थे कि इनमें हर प्रकार की लैंग्वेज यूज मिली जा सकती थी। और इक्विपमेंट्स में देखें तो इस जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होता था। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की लास्ट जनरेशन थी और अब तक यही चली आ रही है। इसके बाद अभी तक कोई जनरेशन नहीं आई है। तो आज मैंने आपको कंप्यूटर की सारी जनरेशन के बारे में बताया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।